हाय, एक ओवररेटेड सा एग्जांपल दे रहा हूं, सॉरी बट जरूरी है। एक बड़ी सी इमारत को खड़ा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बेस है ना, उसका आधार। तो सेम, अगर आपको अच्छा म्यूजिशियन बनना है, अच्छा परफॉर्मर बनना है, तो आपका भी जो म्यूजिक नॉलेज है उसका जो बेस है ना, वो स्ट्रांग होना जरूरी है। तो म्यूजिक बेस का जो ये काम है ना, ये स्किल्स करती है। तो इसीलिए आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमारा एक ट्राई है कि आप लोगों को स्किल्स के बारे में हम अच्छा सा नॉलेज दे पाएं। तो आई होप यू विल लर्न अ लॉट एंड यू विल शेयर इट। दिस इज फ्रंट रो, माय नेम इज अक्षय, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग समझते हैं, मेजर स्केल। देखिए, मेजर का जो वर्ड मीनिंग है वो यही होता है, ऐसी चीज या कोई भी ऐसी पॉइंट, कोई भी ऐसा पॉइंट जो बहुत ज्यादा यूज में आता हो। तो जो ये मेजर स्केल है, इसको मेजर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इट इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल स्केल्स। कि भाई म्यूजिक में सबसे ज्यादा इसी स्केल का यूज किया जाता है। और एज अ बिगिनर, व्हेन यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंडिंग द स्केल्स, दिस इज द वन जो आपको सबसे फ्रेंडली एक माहौल देती है साउंड के हिसाब से। आई नो थोड़ा अजीब सा एक्सप्लेनेशन है, बट यू इफ यू वॉन्ट सिंपलर एक्सप्लेनेशन यू कैन अंडरस्टैंड इट, बिकॉज इट इज द मोस्ट यूज्ड स्केल इन म्यूजिक, वी कॉल इट अ मेजर स्केल। ठीक है, अब हम प्रॉपरली सीखेंगे कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस और हाउ डू वी मेक दिस स्केल ऑन गिटार। मेजर स्केल को समझने के लिए कुछ और भी पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे म्यूजिकल अल्फाबेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 12 म्यूजिकल अल्फाबेट जो ए से लेकर और जी तक जाती हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, जिसमें बी और ई जो दो नोट हैं उनके शार्प्स नहीं होते हैं। तो ये 12 नोट्स एक तरीके से हमारे पास, कह सकते हैं कि म्यूजिक इन्हीं 12 नोट से बना हुआ होता है। ठीक है, और इन्हीं 12 नोट्स जो हिंदी में हम स्वर कहते हैं इनको बेसिकली, कि इन्हीं 12 स्वरों से, चाहे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हो तो उसमें भी यही 12 स्वर माने गए हैं, और हमारे जो वेस्टर्न म्यूजिक है उसमें भी 12 नोट्स ही हैं। तो उनको नेम्स दिया गया है जिससे कि आप उनको आइडेंटिफाई कर पाए। तो एक तो म्यूजिकल अल्फाबेट आपको पता होनी चाहिए। दूसरा चीज, होल स्टेप और हाफ स्टेप, एक दो चीजें होती है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। होल स्टेप, जैसा कि नाम से ही अगर हम देखते हैं, इट्स अ स्टेप। सो व्हाट इज अ स्टेप? स्टेप इज लाइक मूविंग इन एनी वे, मतलब अगर आप जहां पे भी खड़े हैं वहां से आगे या पीछे जाना इज अ स्टेप। सो होल स्टेप का क्या मतलब होता है म्यूजिक में? जब भी आप किसी एक अल्फाबेट से दूसरे अल्फाबेट पे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मानिए अगर मैं ए से बी पे जा रहा हूँ, तो अगर मैं ए से बी पे जाऊंगा ना, तो ए शार्प एक और जो नोट होता है वो बीच में होता है, तो मुझे उसको स्किप करना पड़ेगा। तो जब भी कभी आप एक नोट से दूसरे नोट पे जा रहे हैं और एक नोट बीच में स्किप कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं होल स्टेप। अगर हम गिटार में इसको समझें, तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं प्ले कर रहा हूँ वन, और वन के बाद अगर मैं प्ले कर रहा हूँ थ्री ऑन द सेम स्ट्रिंग, सो व्हाट आई डिड, आई स्किप द टू, वन थ्री, ओके। सो दिस इज कॉल्ड द होल स्टेप। दूसरा होता है हाफ स्टेप। हाफ स्टेप एज नेम, जो भी होल स्टेप उसका आधा, मतलब अगर मैं वन से थ्री जा रहा हूँ तो होल स्टेप है, तो अगर ए वन से टू जाऊंगा तो हाफ स्टेप हो जाएगा। मतलब हमें कुछ नहीं स्किप करना। म्यूजिकल अल्फाबेट में बात करें तो ए से ए शार्प तक का जो डिस्टेंस है वो एक हाफ स्टेप हुआ। तो ये होल स्टेप और हाफ स्टेप ही दो ऐसी चीजें होती है जिनसे मिलके स्केल्स बनती हैं। स्केल्स जो हैं वो इन्हीं का एक ग्रुप पैटर्न होता है। तो मेजर स्केल जो है उसमें आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास 8 नोट्स होने वाले हैं। तो उन 8 नोट्स को किस तरीके से हम अरेंज करेंगे वो हम अब होल स्टेप और हाफ स्टेप से समझेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से इस चीज को समझना है कि 1 to 8 हमने एक काउंटिंग लिखा। अब वन के नीचे हम लिखेंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू स्टैंड फॉर होल स्टेप। देन 2 के नीचे लिखेंगे डब्ल्यू, होल स्टेप अगेन। 3 के नीचे आएगा एच, हाफ स्टेप। 4 W, 5 W, 6 W, 7 H एंड देन 8 W। नाउ अंडरस्टैंड दिस, वन के नीचे W लिखने का क्या मतलब हुआ कि जो भी आपका पहला साउंड फ्रिक्वेंसी होगा, नोट होगा, उससे जब आप सेकंड पे जाएंगे तो आपको होल स्टेप लेना है। तो जो वो W है ना वन के नीचे, वो ये डिफाइन कर रहा है कि अब आपका स्टेप क्या होगा अगले पॉइंट पे जाने के लिए। तो वन से टू विल बी ए होल स्टेप, टू से थ्री होल स्टेप, थ्री से फोर हाफ, 4 to 5 होल, 5 to 6 होल, 6 to 7 होल एंड 7 to 8 हाफ। तो इस तरीके से ये स्टेप्स अरेंज किए जाते हैं एंड यू काइंड ऑफ कम अप विद द प्रॉपर मेजर स्केल। लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल। चलिए पहला नोट रखते हैं सी। ठीक
ठीक है, तो हमारा वन डब्ल्यू लिखा हुआ है, उसके नीचे हमने लिखा सी, और गिटार में सी मैं प्ले कर रहा हूँ सेकेंड स्ट्रिंग ऑफ फर्स्ट, सॉरी सेकेंड स्ट्रिंग के हाँ फर्स्ट फ्रेट पे, सही बोलो। ये सी कैसे हुआ? अगर आपने म्यूजिकल अल्फाबेट के बारे में पता है, आपको आपने जाना है उसके बारे में, तो यू वुड नो कि सेकेंड स्ट्रिंग का नाम होता है बी, तो उसका जो फर्स्ट स्ट्रिंग होगा वो होगा सी। तो सबसे पहला नोट आ गया सी। अब वन पे क्या लिखा हुआ है? डब्ल्यू, मतलब जब हमें वन से टू जाना है तो एक होल स्टेप लेना है। तो सी वन से अगर मैं होल स्टेप लूंगा तो आई विल हैव टू स्किप सी शार्प एंड आई विल लैंड ऑन डी। सो सी डी, ओके। नाउ टू पे भी लिखा हुआ है डब्ल्यू, मतलब टू से थ्री जाना है तो भी होल स्टेप लेना है। तो अगर मैं डी से होल स्टेप लूंगा तो मैं आऊंगा ई पे। सो वन टू थ्री सी डी ई। देन थ्री पे लिखा हुआ है एच, मतलब जब मैं थ्री से फोर पे जाऊंगा तो मेरे को एक हाफ स्टेप लेना है। तो मैं कुछ नहीं स्किप करूंगा और राइट नेक्स्ट जो भी पॉइंट है उसको हिट करूंगा। सो थ्री जो ये फाइव है, फाइव टू सिक्स जो हुआ फ्रेट के हिसाब से वो हो गया हमारा हाफ स्टेप। सो वन टू थ्री फोर, फोर्थ पे लिखा हुआ है होल स्टेप, मतलब फोर टू फाइव जब जाएंगे तो एक होल स्टेप लेना, फाइव टू सिक्स होल स्टेप, सिक्स टू सेवन होल स्टेप एंड देन सेवन टू एट हाफ स्टेप। सो जो नंबर्स फ्रेट के निकल के आए जो इस फॉर्मूले को पुट करने पे आए हैं वो है वन थ्री फाइव सिक्स एट टेन ट्वेल्व एंड थर्टीन। ठीक है, तो नंबर से भी आप याद रख सकते हैं कि वन स्किप किया टू, देन थ्री के बाद स्किप किया फोर, देन फाइव के बाद कुछ नहीं स्किप किया क्योंकि फाइव टू सिक्स जो था वो एक हाफ स्टेप था, देन एट देन टेन देन ट्वेल्व एंड देन थर्टीन। सो दिस इज हाउ यू मेक मेजर स्केल्स। अब आपको दो तरीके से ये चीज़ समझनी है कि एक तो हमें थ्योरेटिकली ये नोटबुक में बनानी आनी चाहिए कि यू शुड नो कि अगर मुझे बोला जाए कि जी मेजर स्केल क्या होगी तो आई शुड बी एबल टू कैलकुलेट इट इन माय माइंड विदाउट द गिटार। लाइक जी इज द फर्स्ट नोट, सो होल स्टेप बी, सॉरी होल स्टेप ए, देन होल स्टेप बी, हाफ स्टेप सी, होल स्टेप डी, होल स्टेप ई, होल स्टेप एफ शार्प एंड देन हाफ स्टेप जी। तो पहला तो आपको ये प्रैक्टिस करना है कि यू शुड बी एबल टू राइट देम ऑल द मेजर स्केल्स। सो कितनी मेजर स्केल्स होंगी? बिकॉज वी हैव 12 नोट्स, सो 12 मेजर स्केल्स होंगी। ठीक है, अब गिटार पे जब प्ले करने की बात आती है तो जैसे अभी मैंने जो सी मेजर का एग्जांपल दिया वो था एक हॉरिजॉन्टल प्लेइंग, मतलब मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा था। आप चाहें तो उसको वर्टिकल भी कर सकते हैं। वर्टिकल का एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ सी मेजर स्केल में। जैसे हमारा थर्ड स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट पे सी है, तो सी, देन हमारा नेक्स्ट नोट था डी, अब हमें चाहिए ई। तो ई के लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं इसी स्केल पे आगे बढ़ जाऊं, इसी स्ट्रिंग पे आगे बढ़ जाऊं, दैट इज फाइव सेवन एंड दिस इज नाइन, और व्हाट आई कैन डू, आई कैन मूव टू द नेक्स्ट स्ट्रिंग एंड आई कैन फाइंड द ई हियर ऑल्सो। सी दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि यू नीड टू नो द म्यूजिकल अल्फाबेट। अगर आपको म्यूजिकल अल्फाबेट पता होगी तो यू विल बी एबल टू डिकोड कि कहां कौन सा नोट आ रहा है। सो सी देन डी देन ई देन एफ देन जी देन ए देन बी एंड देन सी। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक मेजर स्केल। सो फर्स्ट प्रैक्टिस इन नोटबुक एंड देन ट्राई टू कम अप विद गिटार। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप मेजर स्केल बजा रहे होंगे यू हैव टू गो फॉरवर्ड, आप आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे। प्लीज ऐसा कंफ्यूज नहीं हो कि आपने मानिए सी यहां मान लिया, अब आपको डी लेना है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि डी ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डी है ये पीछे वाला डी है ना, तो ये जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। हमेशा आगे की तरफ बढ़ना है एक बार स्टार्ट करते वक्त, एंड धीरे धीरे यू विल स्टार्ट गेटिंग इट कि अच्छा हाँ ठीक है, आप जिस स्ट्रिंग से चाहें वो नोट डिकोड करके और वो स्केल प्ले कर सकते हैं। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। ठीक है, आप इसको प्रॉपरली समझ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इस चीज़ को आपस में डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई फ्रेंड जो गिटार सीख रहा है उसके साथ ये लेसन शेयर कीजिए, आपस में बैठ के ट्राई कीजिए, तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। Whenever you learn something and you discuss it with others, you get better understanding. So I hope आपको major skill समझ में आया हो। Please हमें comment करके जरूर बताइए। तो चलिए major skill का summary समझ लेते हैं। हमने क्या सीखा कि major skill का मतलब होता है ऐसी scale जो सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है music में, और इसको बनाने के लिए you need to understand whole step and half step. जब भी आप किसी एक नोट से दूसरे नोट पे जाते हैं और बीच में कोई एक दूसरा नोट स्किप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक इन नंबर्स, वन टू थ्री इज अ होल स्टेप बिकॉज वी स्किप टू,
और अगर हम 1 से 2 जा रहे हैं तो कोई स्किप नहीं हुआ, तो इसको हम कहते हैं हाफ स्टेप। जब भी मेजर स्केल बनाएंगे तो आपको ध्यान में रखना है देयर विल बी 8 नोट्स, और उन 8 नोट्स का जो अरेंजमेंट है होल स्टेप और हाफ स्टेप में वो होगा लाइक दिस, होल होल हाफ, होल 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 एंड हाफ, एंड देन लास्ट विल बी होल। ठीक है, तो ये 8 नोट्स को होल स्टेप और हाफ स्टेप में ऐसे करके यू कैन मेक एनी मेजर स्केल। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑन नोटबुक, ट्राई टू मेक ऑल द मेजर स्केल्स। उसको आप गूगल से सर्च करके वेरीफाई कर सकते हैं कि ठीक है यही होती है कि नहीं होती, कौन सा नोट गलत हुआ, तो यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। उसके बाद यू शुड ट्राई टू प्ले द सेम मेजर स्केल्स ऑन गिटार। अब गिटार पे प्ले करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक ही स्ट्रिंग पे सीधा जाना, और एक होता है वर्टिकल, मल्टीपल स्ट्रिंग्स का यूज करना। आपको ये ध्यान में रखना है कि एक तो नोट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि कौन सा नोट आपको चाहिए किसी भी मेजर स्केल को प्ले करने के लिए। ठीक है, जैसे सी डी एफ जी ए बी सी, सो यू शुड नो कि ये नोट्स आपको चाहिए। और दूसरा चीज, अब आपको गिटार पे भी नोट्स का जो मैपिंग है वो पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रिंग के कौन से फ्रेट पे कौन सा नोट आता है। तो इन सब चीजों का जब आप प्रैक्टिस करते हैं यू स्टार्ट गेटिंग इट। आप होने को पैटर्न्स भी सीख सकते हैं, हमने मेजर स्केल का एक पैटर्न कवर भी किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप वो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप 2 ऑक्टेव्स तक प्ले कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आज के लेसन से आपने काफी सीखा होगा। अगर ऐसा है तो मैंने लेसन में पहले भी ये बात कही है कि ट्राई टू डिस्कस द टॉपिक विद फेलो लर्नर्स, मतलब आपके साथ अगर कोई और भी हैं जो गिटार सीख रहे हैं, आप जानते हैं आपके कोई फ्रेंड है, कोई कजिन है, तो ट्राई टू डिस्कस द सेम टॉपिक विद देम, क्योंकि जब आप आपस में शेयर करके समझते हैं पढ़ते हैं तो यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। बिसाइड्स दैट, अब एक टेलीग्राम ग्रुप भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, लर्न म्यूजिक विद फ्रंट रो, और वहाँ पे भी सेम चीज़ हम फॉलो करते हैं कि यू गाइस कैन डिस्कस फ्रॉम लाइक टू ईच अदर कि भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो आपका जो एक नॉलेज है ना, नॉलेज क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा बढ़ा होता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट इफ यू हैव समथिंग टू से। ओके, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस।